किसान कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू घनश्याम यादव ने प्रेस वार्ता ली। इस दौरान उन्होंने एनजीओ में फर्जी नियुक्ति को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राजेश तिवारी को सचिव समाज कल्याण विभाग के द्वारा राज्य निशक्तजन शोध संस्थान माना के नाम के एनजीओ कार्य अनुभव दिखाकर राजेश तिवारी को 14 अक्टूबर 2004 को उप संचालक समाज कल्याण के पद पर नियुक्ति की गई। नियुक्ति पत्र में परिवीक्षा अवधि का कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए ये नियुक्ति पत्र फर्जी है। उन्होंने कहा कि जिस एनजीओ का अनुभव प्रमाण पत्र देकर नियुक्ति की गई, वह एनजीओ इनकी नियुक्ति के पश्चात 5 माह बाद 14 अक्टूबर 2004 को बनाई गई है, जबकि इनकी नियुक्ति 28 मई 2004 को की गई है। यह हिंदुस्तान का पहला प्रकरण है कि एनजीओ के अनुभव के आधार पर राजेश तिवारी को नियुक्ति दी गई। यह पद लोक सेवा आयोग का है, जिसमें सुनील कुजूर सचिव समाज कल्याण विभाग ने नियुक्तिकर्ता बनकर लोक सेवा आयोग से बिना अनुमति के फर्जी नियुक्ति किया है। सुनील कुजूर सचिव के द्वारा फर्जी आदेश जारी करके राजेश तिवारी को जो वेतन दिया गया है उस राशि को वसूली किया जाए, साथ ही की गई फर्जी नियुक्ति निरस्त किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होगी, अगर बारदाने की कमी रही तो सीएम हाउस का घेराव करेंगे।